are right now landed in Kasol. Landed in Kasol as in travelers. अभी just Kasol आके पहुँचे हैं. Property ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि it was a trek itself. मतलब यहाँ तक आने के लिए भी trek करना पड़ता है ऐसा लगा. But finally we got here. And मैंने expect नहीं किया था कि property इतना अच्छा होगा. I'll show you how does it look. एक सेकेंड. This is how the property looks. यहाँ पे chances है, मतलब रात को हम लोग यहाँ पे कैंप फायर करेंगे. यहाँ पे बैठ के खाना पीना कर सकते हैं. यहाँ ऊपर हमारे रूम्स हैं और यहाँ से व्यू अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मतलब अमेजिंगनेस की भी ना एक हद होती है. बट इस ट्रिप में ऐसा कोई भी एक दिन नहीं रहा जहाँ पर हम लोगों ने औसम नज़ारे नहीं देखे, बढ़िया जगहों पर नहा रहा, या फिर एक दिन ऐसा नहीं गया जहाँ पर हम लोगों ने इन्जॉय नहीं किया. सो दिस इज़ हाउ द स्टे एट कसोल लुक्स. इस प्रॉपर्टी का नाम है द वुडन कॉटेज, जो कि हम लोगों को नीचे से चढ़ के आना पड़ा. बट हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई अग्री. है होटल का बैकयार्ड और यहाँ मेरे दोस्त चिल कर रहे हैं. दिस इज़ द प्लेस, यहाँ पे भी कैंप फायर होगा. दिस इज़ द व्यू. चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर चिल करने का जगह कहाँ है. अगर आप नीचे कैंप फायर करते हो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन वॉट इफ आप बैठ के ऊपर ही करना चाहते हो चिट चैट. सो दिस इज़ द वरांडा टाइप ऑफ थिंग. आप लोग यहाँ पे बैठोगे, बैठ के यू कैन जस्ट एवरी वन कैन सिट. ऊनो वूनो खेल सकते हो. जो दारू पीने वाले हैं वो यहाँ दारू पी सकते हैं. स्मोकिंग इन द रूम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. सो या, ये एक चिल आउट एरिया है. एंड यहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है. एंड द व्लॉग गर्लफ्रेंड. काफ़ी चीज़ें लोगों को ऑफर कर रहे हैं जो कि हम लोग जिस चीज़ में इंडल्स हैं नहीं. बट इट्स फाइन, इट्स अ एंगेज्ड मार्केट. आप लोग देख सकते हो ग्रीड काफ़ी है. एंड अभी एक सुपर मार्केट आए थे कुछ चिप्स वगैरह खरीदने. एंड रूम चले जाएंगे, फिर रूम पे जाके कैंप करने का प्लान है. बट वी आर नॉट श्योर इफ वी आर गेटिंग इट और नॉट बिकॉज काफ़ी सन्नाटा है आज रूम. बट द मार्केट इज एक्चुअली लिटेस्ट, आई मीन लिट. ठीक है, सो अभी काफ़ी लोग हैं. एंड ठंडा है बट इट्स नॉट दैट मच या फिर दैट मच ठंडा कि काम जाए और रूम से ना निकले. सो वी डिसाइडेड टू कम आउट एंड आए, थोड़ा ब्राउनी वगैरह खाए एंड थोड़ा सा सुपर मार्केट से खरीद के जाए. कौन सा रीच द रूम, आई विल सी यू गाइस. से रूम आ गए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था, गला थोड़ा बैठ गया, आई एम सो सॉरी, ठंडी काफ़ी है. वहाँ पे हमारा कैंप फायर चल रहा है, लेट्स सी. तो ये है हमारा बॉन फायर. रूम से आके नीचे से यहाँ पे बॉन फायर है. लेकिन दिक्कत ये है कि इन्होंने हमको जो लकड़ी दी है, दोज वुड्स आर बिट वेट, थोड़े से भीगे हुए हैं, गीले हैं, इसीलिए ज़्यादा टाइम अब ज़्यादा अच्छे से नहीं जल पा रहे हैं. सो दैट इज़ इट. ये आप देख सकते हैं रूम है, जैसे बताया था कुछ लोग, आई मीन सम डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट स्ट्रीट्स. ये हमारा रूम है, वो वाला पे मैं रहता हूँ. सो वही है, थोड़ा इन्जॉय करते हैं ये बॉनफायर को, उसके बाद मिलते हैं. और बाय द वे हम लोगों ने खाने का डिनर दे दिया, आई मीन खाने का जो ऑर्डर है दे दिया. ठीक है गाइस, अभी हम लोग ऑन द वे टू शिमला है. यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी फॉर लंच. हम लोग यहाँ रिवर साइड में आके रुके हैं, यू कैन सी, आई गेस दिस इज़ पार्वती रिवर, नॉट श्योर. तो
तो वो रहा होटल, हम लोगों का गाड़ी वहाँ पे, उन्होंने हमको सजेस्ट किया रिवर साइड आने के लिए, सो वी केम हियर एंड बढ़िया जगह है यार, बहुत बढ़िया जगह है टू हैव फूड एंड चिल। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये रिवर कैसा है। रास्ते में कहीं एक रुके हैं क्योंकि हमारा गाड़ी जो है वो ख़राब हो गया, तो नॉट ख़राब एग्जैक्टली, वार्निंग लाइट आ रहा है। तो भैया जी और हमारे दोस्त सब मिल के देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो जस्ट होप कि सब बढ़िया हो जाए और हम लोग फिर से निकल जाए। जगह तो अच्छा है यार, अच्छा लग रहा है, लेट्स सी। अभी अंकल बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग मिल के रिपेयर कर लिए ना सब। नहीं किया है। मैंने आपको पहले ही बोला था। यहाँ पे हमारे तीन चार मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वर्सेस अंकल। आप सबने चेक किया था ना? ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, ये मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी में। ओके ठीक है। शिमला से 7-8 किलोमीटर बस दूर है और अभी हम लोग रुके हैं एक चाय ब्रेक के लिए। इतने दिनों बाद चाय के साथ पकोड़े खा रहे हैं, सो खा के तुरंत निकलते हैं क्योंकि हमको बताया गया है कि यहाँ से और रास्ते में दुकान नहीं मिलेगा, सो वी आर ईटिंग इट राइट नाउ एंड निकल जाएंगे। पकोड़ा चाय पिया है? ओके ठीक है। एक छोटा सा शॉप है वो रहा हमारा ट्रैवलर।